नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। मनमोहन पर मोदी की टिप्पणी पर बवाल, कांग्रेस नाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ राज्यसभा में उनकी ओर से इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत ही खराब थे और ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पार्टी ने मोदी से सदन से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ये घटनाक्रम दुखद है। चिदंबरम ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर अपना विरोध जाहिर करने के लिए सदन से बहिर्गमन किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी प्रधानमंत्री पर निजी हमला नहीं किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री को उनके नाम से नहीं पुकारा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अहंकारी रवैया अपनाए हुए हैं और पूरे विपक्ष का अपमान करने में लगे हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी अपमान किया। वो पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल करने में लगे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का विरोध करने के लिए मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में घोटाले पर घोटाले होते रहे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया क्योंकि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना वही जानते हैं। मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जब ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो कांग्रेस के सदस्य तिलमिला गए और अपनी जगहों से उठकर सदन में आगे आ गए और शोर मचाने लगे। कांग्रेस के सदस्यों ने इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन भी किया। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकार ने पठानकोट हमले से सबक नहीं सीखा, संसदीय समिति। मुसलमान इबादत से मुस्लिम लेकिन राष्ट्रीयता से हिंदू, भागवत। पाकिस्तान के पंजाब में वसंत उत्सव पर रोक। सानिया मिर्जा को कर चोरी मामले में नोटिस। और ब्रिटिश संसद के निचले सदन की ब्रेग्जिट को मंजूरी।